हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फिर बुक में से पढ़ूंगा। इसमें आप मिनिमम 6 महीने का या 10 साल तक का, मतलब कितने भी पीरियड का एक अकाउंट खोलते हैं और उसमें हर महीने एक फिक्स पैसा जमा कराते हैं। जैसे सपोज मेरे को लगता है यार, हर महीने मेरे पास काफ़ी सारा पैसा बच जाता है और उसमें से 5,000 रुपये मैं बैंक में जमा कर सकता हूँ, लेकिन फिर शर्त यह है कि आपको हर महीने वो 5,000 रुपये जमा करने होंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो आपने 5,000 का अकाउंट खोल दिया, तो अब हर महीने आप 5,000 रुपये डालते रहोगे। इसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, बिकॉज रेकरिंग माने कंटिन्यूस, आप हर महीने 5,000 रुपये डाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड आरडी अकाउंट। ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वही है कि इसमें सेविंग्स हो जाएंगी, पैसा लॉन्ग पीरियड के लिए आपका जमा रहेगा, इंटरेस्ट कमा लोगे एंड ऑल दैट। बैंक के लिए भी फायदा है कि आप उस पैसे को, यानी बैंक उस पैसे को बिजनेसमैन को लोन के फॉर्म में देके इंटरेस्ट कमा लेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा इसमें क्या पैसा वापस ले सकते हैं? नहीं, इसमें पैसा ले तो नहीं सकते, लेकिन आप लोन ले सकते हो या फिर बंद कर दो, तो फिर सारा पैसा जितना आज तक जमा है वो वापस हो जाएगा, है ना। यानी इसमें बीच में प्री मेच्योर विड्रॉल वाला सिस्टम नहीं है। देखा जाए तो वही एफडी वाला ही हुआ, एफडी में भी तो प्री मेच्योर विड्रॉल का मतलब यही होता है ना कि आपने पैसा वापस ले लिया, बात खत्म, या आप लोन ले सकते हो। तो काफ़ी हद तक एफडी वाला ही फीचर आरडी में भी है, रेकरिंग डिपॉजिट में। उसमें फ़र्क क्या हुआ, एफडी में एक बार पैसा जमा हुआ बस बात खत्म, आरडी में आप बार बार पैसा जमा करा रहे हो, तो एक तरह से छोटे छोटे अमाउंट आपका जुड़ता चला जाएगा और काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए आरडी भी पॉपुलर है और लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। अब आइए आपकी बुक से पढ़ते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय दोज हु हैव टू सेव रेगुलरली, जो बार बार रेगुलरली सेव करना चाहते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा मिनिमम 6 महीना होता है, बाकी कितना भी हो सकता है। एंड अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट, हायर का मतलब फिर वही है, सेविंग अकाउंट से हायर। इन दिस अकाउंट सर्टेन फिक्स अमाउंट इज एक्सेप्टेड एवरी मंथ, फिक्स अमाउंट 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, जो भी आपने आरडी खोली है आपको उतना ही पैसा हर महीने डालना है। एंड द टोटल अमाउंट इज रीपेड विद इंटरेस्ट एट द एंड, लास्ट में आपको मिल जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप रेगुलर सेविंग्स हैबिट, मिनिमम पीरियड इज 6, मैक्सिमम 10 ईयर। डिपॉजिट्स कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट वेरीज एज पर द पीरियड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, बैंक टू बैंक भी डिफर करेगा। एक पासबुक दे देते हैं जिसमें एंट्री करते रहते हैं हर महीने, राइट। इसमें लिखा डिपॉजिटर कैन नॉट विथड्रॉ बिफोर मेच्योरिटी, बट हाँ वो लोन ले सकता है या फिर अकाउंट क्लोज कर सकता है। इन एनी केस अगर उसको पैसे की जरूरत पड़े तो उसको मिली जाएंगे। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यही है कि रेकरिंग डिपॉजिट एनकरेजेस रेगुलर सेविंग्स हैबिट अमंग द पीपल। नेचुरली जब आप हर महीने पैसा जमा करा रहे हो तो आपको सेविंग हैबिट्स पड़ गई। दूसरा, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर कैन गेट अ लोन फैसिलिटी, वो तो है ही, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो लोन ले लेगा उसके अगेंस्ट। और तीसरा, बैंक उसको यूज़ करेगा फॉर ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू बिजनेसमैन, या वो और कहीं प्रॉफिटेबल इसको इन्वेस्ट कर देगा। मतलब इन एनी केस बैंक के पास पैसा आ गया, आपको बैंक आपके सेविंग अकाउंट से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है तो आप फायदे में हो, और बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है वो उससे ज़्यादा में उसको इन्वेस्ट कर देगा या किसी को लोन की फॉर्म में दे देगा, तो बैंक भी फायदे में है। तो कुल मिला के सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो आपको सेविंग करनी चाहिए, है ना। तो चलिए आरडी के बारे में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, है ना। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।